गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मेहरा देसाई। दोस्तों अगर आप भी अपनी उम्र से 10 साल जवान दिखना चाहते हैं तो बस मेरा ये मास्क अपने चेहरे पर लगा लीजिए। ये मास्क मेरा इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ना सिर्फ आपकी झुर्रियों को दूर भगाएगा बल्कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है या फिर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पैचेस हैं, अनइवन हैं, कहीं से काली कहीं से अजीब तरह से गोरी, बहुत तरह के पैच आपकी स्किन पर आ चुके हैं या फिर झाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को ये दूर भगाएगा और आपकी स्किन इसको लगाने के बाद इतनी फ्लॉलेस लगने वाली है, इतनी ब्राइट लगने वाली है, यंगर लुकिंग दिखेगी कि आपके जानने वाले भी आपसे पूछने लगेंगे कि आपने ऐसा क्या लगाना स्टार्ट करा है। ये बिल्कुल ही नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं और ऊपर से आपके पैसे भी बचाएगा। तो देरी किस बात की, इस बेहतरीन से वीडियो को देखने के लिए फटाफट से लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं इस बेहतरीन से मास्क को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो गाइस आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें चावल का। आपको पता है जापानीज लोग अपनी स्किन पर सबसे ज्यादा चावल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपकी स्किन पर जितने भी रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उनको ये रिड्यूस करता है और अगर आपकी स्किन पर नहीं आए हैं या 25 साल की हो चुकी हैं तो आज से इस मास्क को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। फिर देखिए आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा और आपकी स्किन का टेक्सचर इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आपको महंगे से महंगे फेशियल का भी आज तक इतना ग्लो नहीं मिला होगा जो आज मेरे इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पर नजर आने वाला है। तो फटाफट से देरी मत करिए, इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधी कटोरी चावल। ठीक है, चावल को हम क्या करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे सबसे पहले। अब मैंने चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जिसमें आपको चावल पकाने हैं उस बर्तन में आप चावलों को ऐड कर दीजिए। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूंगी, आप कम से कम इसमें एक ग्लास पानी डाल लीजिए। अब इसको हम गैस पर रखकर अच्छे से पकाएंगे, जैसे हम चावलों को पकाते हैं सेम आपको उसी तरीके से इसको, जब तक चावल अच्छे से गल नहीं जाते तब तक आपको इसको गैस पर पकाना है। पहले आप फ्लेम को हाई रखें और उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग लो और ज्यादा करते रहें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं चावलों का। चावलों में भरपूर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्या करता है आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपके फेस से रिंकल फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। अब आप देख सकते हैं चावल बहुत अच्छे से पक चुका है। ठीक है, यहाँ पर गल चुका है, ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बन गया है। तो अब इस रिंकल रिमूवर मास्क में हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अलसी के 3 चम्मच एक अलग बाउल में निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम एक ग्लास पानी ऐड कर देंगे और इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे। गैस पर आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है और इसको चलाते रहना है एटलीस्ट 10 मिनट तक। जैसे जैसे आप चलाएंगे तो पानी धीरे धीरे सूखने लगेगा और आप देखेंगे बिल्कुल ये जेल फॉर्म में बनता जा रहा है, बहुत ही अच्छा जेल बनकर तैयार हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं पानी में हल्का हल्का झाग आना शुरू हो गया है, बस आप इसको ऐसे ही चलाते रहिए लो फ्लेम पर। अब 10 मिनट हो चुके हैं तो अब आपने क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब हम एक बाउल लेंगे कांच का और छन्नी की मदद से या किसी मलमल के कपड़े या फिर कॉटन के क्लोथ की मदद से हम इसका सारा जेल जो है वो उस बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि इसका जितना भी फायदा है, जितना भी असर है वो पूरा उस जेल में आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रेस करते हुए इसका पूरा जेल आप कांच के बाउल में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं हमारे पास कितना गाढ़ा जेल आ गया है जो आपके फेस की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अब आप इस जेल को कांच के बर्तन में एक महीने के लिए कम से कम स्टोर करके रख सकते हैं, आपको रोज रोज बनाने का झंझट भी नहीं। लेकिन आपको जब इसको रखना है तो किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रखना है, ना कि बाहर, और उसको कवर जरूर कर देना है डब्बी को लिड से। अब एक अलग बाउल में हम 2 चम्मच इस चावलों की क्रीम को निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमने जेल बनाया था उसके 2 स्पून्स भी, यानी फ्लैक्स सीड जेल जो हमने बनाया था उसके 2 स्पून्स भी हम इस राइस वाले बाउल में जिसमें हमने क्रीम निकाला है उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट आलमंड ऑयल। अगर आपके पास स्वीट आलमंड ऑयल नहीं है तो आपने विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स इसमें ऐड करने हैं। ठीक है,
और इनको बहुत अच्छे से आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब आपने इस तरीके से फिंगर टिप्स की हेल्प से या फिर आपने किसी ब्रश की हेल्प से इसको पूरे फेस पर अपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अंडर आई एरिया में भी, और कम से कम 30 मिनट के लिए इसको एज इट इज छोड़ देना है। आप अपना कोई भी डेली रूटीन का काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना चेहरा जो है ठंडे पानी से वॉश करना है। मेक श्योर कि ठंडे पानी से वॉश करें। बहुत लोग गर्म पानी से वॉश करते हैं जिससे कि आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और उतनी ही डस्ट इम्प्योरिटीज आपकी स्किन में वापस से चली जाती है, ठीक है। और जब भी आप इस पैक को लगाएं तो कोशिश करें रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं, पहले अपना चेहरा अच्छे से धो लें, देन इसको अप्लाई करें। हफ्ते में 3 से 4 दफा आपको इसको अपने चेहरे पर लगाना है और उसके बाद वॉश करने के बाद कोई भी अपना डेली मॉइस्चराइजर अप्लाई करके आप सो जाएं, ठीक है। और जब नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग अपने चेहरे की रंगत देखेंगे तो बस आप अपने चेहरे का नूर देखते ही रह जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में मेरे चैनल पर जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर प्रेस करें और प्रेस करते टाइम ऑल पे क्लिक करें ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसे देख सकें और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सके। ऐसी कुछ बेहतरीन लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को और खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।